नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और एग्जिट 60 हम पीछे कुछ देर में देखिए इंडिकेटिव एक्शन आ जाएगा, लेकिन मिहिर बोल रहा है ये आर एग्जिट प्राइस में फैक्टर इन। हम ब्रेक्जिट की बात कर रहे थे, ये प्राइस में फैक्टर इन है या नहीं है? नहीं, असल में ये तो नहीं है फैक्टर इन, क्योंकि इसकी आशंका थी भी नहीं कोई। जो लोग ये मान भी रहे थे कि शायद ये सेकंड टर्म नहीं लेंगे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये अनाउंसमेंट इतनी जल्दी आएगी। और एसजीएक्स निफ्टी चाहे जो भी इंडिकेशन दे रहा हो, लेकिन ये नर्वसनेस कुछ हद तक तो रहेगी मार्केट में। हमने शनिवार को भी जितने बड़े जानकारों से हमने बात की, उन सबका यही कहना था कि हो सकता है कुछ हद तक ये प्रेशर बना रहे। लेकिन अब देखिए, आज संकेत जिस तरह के आते हैं, लेकिन हाँ, जो शुरुआती दौर है उसमें तो डेफिनेटली मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। और ना सिर्फ इक्विटी मार्केट, बल्कि आप करेंसी मार्केट को देखिए, बॉन्ड मार्केट को देखिए, सभी जगह जो रेग्जिट है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एग्जिट का अगर आप देखें इम्पैक्ट डेफिनेटली विजिबल है। अगर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया इतना खराब नहीं जितने करीब करीब हम 7 मिनट पीछे, बट देखिए इस प्राइस में भी एक खासियत है कि एटलीस्ट इस प्राइस में 8050 सिक्योर है। निकली आपके स्क्रीन पर मतलब लगभग 2.25% ऊपर है। बड़े दिनों के बाद हरियाली यहाँ पर है और साथ ही साथ इस बीच स्टेट टाइम्स को आप देखिए 1% ऊपर। तो रेस्ट ऑफ एशिया अच्छा कर रहा है, लेकिन निफ्टी कमजोर आर फैक्टर। हमारे साथ धर्मेश कांत भी हैं इस पर बात करने के लिए। धर्मेश, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेश, आई मीन ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आई मीन आर एग्जिट हुआ, लेकिन अब आपको एंट्री ढूंढनी है। आप एंट्री कैसे ढूंढनी है और कहाँ ढूंढनी है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आई थिंक देखिए ये थोड़ा टेम्पररी इसके कंसर्न्स मार्केट में बने रहेंगे अनटिल द टाइम द नेक्स्ट गवर्नेंस नेम इज़ अनाउंस्ड। तब तक थोड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, बट मेरा ये मानना है कि देर इज़ नो डर्थ ऑफ टैलेंट। आई थिंक इक्वली कम्पिटेंट टैलेंट कैन रिप्लेस आरबीआई गवर्नर। सो एक पॉजिटिव थाट के साथ एनी करेक्शन को बाई करके चलना चाहिए। एंड दिस वॉलेटिलिटी, अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी आती है, इवेंट स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी है जिसका रिपरकशन रिसेशनरी तरीके से नहीं अगर बनता है, तो वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट को बाई करने का। सो मे बी आज हम लोग 60-70 पॉइंट निफ्टी लोअर डाउन खुले और फिर थोड़ी सी और प्रेशर क्रिएट हो सेलिंग की, बट आई थिंक डेट शुड बी एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू बाई। मुझे नहीं लगता है कि इन द मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पर ब्रेक्जिट भी होता है और थोड़ा डिले होता है नए नाम आने में, तो 79,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट, सो वन शुड बाई देयर। जी प्लीज। बीच आज संकेत जिस तरह के हैं, देख लेते हैं कि इंडिकेटिव टिक्स क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे मार्केट डेफिनेटली थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि कई वॉइसेज ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सही बात है राजन गवर्नर थे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है आरबीआई के साथ कि आरबीआई अपने आप में एक इतना प्रोसेस ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है कि कोई भी गवर्नर अगर हो वो पूरी तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अब क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे लेकर ऑलरेडी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो वैसे भी ऐसा नहीं होता कि राजन कंटिन्यू करते या फिर कोई और भी गवर्नर, तो वो पूरी तरह से पॉलिसी को अपने मुताबिक ड्राइव कर पाए। तो कुछ हद तक एटलीस्ट जो पॉलिसी कंटिन्यूएशन का फेयर है वो मार्केट पर हावी नहीं होगा। हाँ, ये परसेप्शन जरूर हावी हो सकता है, लेकिन रुपए पर देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय। रुपया हैवी ड्रॉप के साथ खुला है, 67.07 के मुकाबले 67.63 पर रुपया खुला है। और ये आशंका है भी कि आज ये डेफिनेटली वॉलेटाइल रहेगा, तो 67.63 पर रुपया खुला है, पिछले एक महीने का सबसे निचला लेवल इस समय रुपए पर देखने को मिल रहा है, 67.63 के आसपास इस समय ये ट्रेड करते हुए। हमारे साथ जमाल मेखलाई जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मेखलाई, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो हियर वी आर, 67.68 पर है इस समय रुपी, एंड यू नो दिस नर्वसनेस वाज एक्सपेक्टेड, बट डू यू एक्सपेक्ट इट टू सबसाइड एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द डे? हेलो मिस्टर मेखलाई, कैन यू हियर मी? या Well, it's hard to say, right? I mean, clearly there was the NDF went even weaker. It went to 67.87, I think. And it has come back. People are naturally expecting that RBI will be intervening today. I mean, this is a knee-jerk reaction. It's hard to tell what will happen today. To my mind, RBI will likely be able to hold it around this level. The issue is that what happens as we go forward, right? I mean, later this week, you have Brexit. Now, it could go either way. The mood now seems to be in terms of state, which will give a little comfort. So, in the immediate term, I mean, volatility is
a fact of life. You can't hide from it. I think that basically, you know, once, you know, I always say, when you get a present, you should not look a gift horse in the mouth. So exporters who have got like 40, 50 paisa suddenly, they should sell. The difficult position is for importers, but I would hope, certainly our clients, but I would hope most importers are, you know, running a very structured program. Stop loss gets hit, you hedge, don't fool around. You really don't know the future. लेकिन सर एग्जैक्टली ये भी जानना चाहूंगा, अभी आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के प्रोस्पेक्टिव्स बात कर रहे थे कि रुपया अपनी ऑल टाइम लो को ब्रीच करके नई ट्रेजेक्टरी में एंटर कर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी लगती है आपको? सर सी लॉट ऑफ देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस इन द वर्ल्ड राइट, आई मीन इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस करेक्ट आउटसाइड नॉट रिलेटेड टू इंडिया. इफ देयर इज ब्रेक्सिट, इफ यूएस इंटरेस्ट रेट्स गो अप, इफ ट्रंप बिकम्स प्रेसिडेंट, एनीथिंग कैन हैपन. Right. When the new governor comes in, if he or she has difficulty settling in, if he or she has a different approach, you know, I mean, Rajan has felt that by keeping the rupee steady is a good thing. Now the new governor may feel differently. Now, I don't know. Who knows? We don't even know who the new governor is. So I'm saying in a market, you have to realize that anything can happen. You know, it would seem to me sort of looking at a very high level. That, you know, we have seen 69, that was the all-time low. I mean, of course it is on the table, but is it on the table next week? I don't think so. Is it on the table over the next 12 months? Very likely. Not because of India, but, well, it could also, I mean, let's look at another aspect. You know, global investors may also feel, by kya ho raha hai desh mein? You know, how are you letting such a smart man go? So you may see a little nervousness there also. So certainly the all-time low is not, it is not off the table. But as to when, no one can tell. Right. So last question to you, Mr. McLean. In that case, is some, you know, because like you said, there are a lot of moving parts or thoda uncertainty bani rahegi ise lekar. Aap kya recommend karenge aise mein, ise hedge kaise karna chahiye? Sir, you know, we have been saying this for years. You should not look at the market. You should not listen to CNBC or Zee Business or anybody. Because when you go, when you listen to these people, including me, you begin to believe you can be correct. The truth is you will never be correct in the market. So what you need to do is you need to focus on your business, create a program where it protects you. You may miss very good opportunity. But bhai, opportunity lena hai, to aap risk course mein jao. Task ke table par jao. Yanda karna hai, so basically, you have to run a very conservative, structured hedging program where your worst case is always protected. Kabhi kabhi you will get some upside. But you can't judge on, you know, Jamal's view or anybody's view. Because nobody knows the future. All right. चलिए मिस्टर मैकलाय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. और डेफिनेटली आरबीआई की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है रुपए को, और कोशिश की जा रही है कि इसे स्टेबलाइज किया जा सके. इस बीच ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आज क्या है, ये काफ़ी रोचक होगा देखना. अंचल है हमारे साथ. अंचल बताइए. शुक्रिया मिहिर. देखिए, सारी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं सभी ब्रोकर्स ने राजन एग्जिट के ऊपर ही अपनी राय रखी है. एक तरफ एम्बेट मानता है जो राजन एग्जिट है उससे बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में चीज़ें सुधरती हुई ज़रूर दिखेंगी. उम्मीदें बहुत सारी हैं, जो नए गवर्नर आएंगे उनसे उम्मीदें हैं. जो NPA को लेकर मुहिम चालू की थी राजन ने, उसे कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे. वहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का यह मानना है कि करेंसी मार्केट, उन्होंने ऑलरेडी कहा था करेंसी मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुल सकता है, और वही होते हुए दिखा. और वीकनेस आती हुई दिख सकती है शॉर्टर टर्म में करेंसी में, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मानता है. साथ ही साथ CLSA का मानना है कि ये बाजार के लिए नकारात्मक तो है ही है राजन का जाना अचानक से, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे भारी इंपैक्ट करेंसी मार्केट पर आएगा. उन्होंने अगले 12 महीनों के लिए रुपी का एक नया लक्ष्य दिया है, 71 रुपये. वो मानते हैं अगले 12 महीनों में रुपी जा सकता है, और कहीं ना कहीं प्रेशर अगले एक साल तक कैरी रह सकता है करेंसी के ऊपर. वहीं दूसरी ओर सिटी ने रघुराम राजन के एग्जिट पे कहा है कि साफ तौर पे बाजार के लिए काफ़ी डैम्पनिंग होगा, और बाजार में जो उतार चढ़ाव है, अस्थिरता है, वो जारी रहते हुए दिखेगी. और साथ ही साथ जब तक एक क्लियर कैंडिडेट नहीं आता है कि रघुराम राजन के बाद कौन रिप्लेस करेगा उन्हें, बाजार काफ़ी अस्थिर रहेगा, और उस पर सफाई बाजार को मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब वही अगला ट्रिगर बन सकता है. और साथ ही साथ JP Morgan का मानना, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है, डेफिनेटली वो भी मानते हैं बाजार पे प्रेशर ज़रूर रहेगा,
लेकिन उनका मानना है कि अब सरकार को अपनी पॉलिसीज में थोड़ा बदलाव करना होगा। जो गवर्नर है उनकी अपॉइंटमेंट में उनको 5 साल का टर्म देना चाहिए, क्योंकि किसी भी गवर्नर के लिए इकोनॉमी करेंसी दोनों को मैनेज करने के लिए कम से कम 5 साल का समय देना ज़रूरी है। तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिस पर जेपी मॉर्गन ज़रूर फोकस कर रहा है। इन सभी ब्रोकर्स के अलावा एडलवाइस इकलौता ब्रोकर है जिनका मानना है कि रघुराम राजन एग्जिट से बाजार पे इमीडिएट इंपैक्ट थोड़ा डाउनसाइड आएगा, लेकिन ऐसा चिंता करने की बात नहीं है, वापस रिकवरी भी जल्द आते हुए दिखेगी।